हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर द व्लॉग। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग जो है वो रिपेटो राइड के ऊपर है। मैं आज इसकी राइड एक लेने वाला हूँ और उसका पूरा रिव्यू करूँगा, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या है, इसमें कितना कमा सकते हैं, कितनी कमाई है और इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो राइड बुक करूँगा उस पर्सन से मैं मिलूँगा और उसको जो है ये सारी चीज़ें उससे पूछने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या है, वो किस तरीके से कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है या फिर बस चलने जैसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक लाइक कर दें और यहाँ पे एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसे दबा के सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों राइड बुक करते हैं, उसके बाद हम सीधा बातें स्टार्ट करेंगे उनसे और क्या है क्या नहीं सारी चीज़ें जानेंगे। तो मेरा एक YouTube चैनल है, अच्छा, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ओके। तो मैंने ये राइड बुक करी क्योंकि मुझे रिव्यू करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, और आगे जो है ना मुझे ये इस पे काम करना है। ओके, तो मैं सोच रहा था कि कैसा क्या है, आपसे मिलूँगा तो फिर आपसे कंफर्म करूँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम तक वेट किया आपका। ओके, ओके। मतलब अभी मेरा ना मेरे ख्याल से अभी 1 तारीख से मैंने लॉग इन किया था। बराबर। अभी 22 तारीख है तो मेरा मतलब एक्चुअली गैप रखा था गणपति के लिए। तो गणपति के लिए गैप रखा था तो अभी मिल गया, अच्छा खासा राइड मिल जाता है। अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे ना आप, बराबर, तो फायदा हो सकता है। क्योंकि ये जो रैपिडो ऐप्स है ना, ये सर अपने एरिया में ही एक लिमिट लोकेशन रहता है, 4-5 किलोमीटर पे ही घुमाता है। बराबर। हाँ, अगर आपका वो बोनस इशू कर लेंगे, 15 राइड कर लेंगे ना, तो उसके बाद कैसा आपको दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस के भी आपको बुकिंग आ सकती है। बराबर। तो है, फायदा है इसका, मतलब इनके लिए कोई यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं है ना, तो कैसा होता है कि यूनिफॉर्म रहेगा तो कोई थोड़ा शेमलेस करके हो जाते हैं। बराबर। विदाउट यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस में अच्छा ही। मतलब कैसा है, अपन अचीवमेंट करते हैं, बराबर, तो मतलब जैसे दिन का आप एग्जांपल पकड़े तो कितना आ जाता है? अगर देखो, मेरा मैंने जैसे स्टार्ट किया था 1 तारीख से लेके, बराबर, तो एक दिन का मतलब नहीं पर 7-8 राइड आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 600-700 रुपये मिल जाता है पर डे से, मतलब 600-700 रुपये बन जाएगा। और कितने घंटे काम करते हो आप? अगर आपको 8 या 9 घंटा अगर कंटिन्यू आप करोगे, बराबर, तो आपको डेफिनेटली यू विल अचीव 1600 to 1700। अच्छा। तो मतलब जैसे, अच्छा, आपने बाइक जो है वो अपाची ले ली है? अपाची ली है। अगर आप ये एवरेज ज़्यादा वाली बाइक लेते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। हाँ, अगर आप शाइन लेंगे, होंडा की शाइन लेंगे या बजाज डिस्कवर लेंगे, या अभी टीवीएस अपाची में नया गाड़ी आया हुआ है, VRO करके है या राइडर करके गाड़ी है जो 125cc का है, जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, तो अगर आप अगर ऐसे मतलब माइलेज वाले अगर बाइक आप ले लेंगे, बराबर, तो आपको काफ़ी बेहतर आपको मतलब बेनिफिट भी मिलेगा और बाइक से जो माइलेज मिलेगा तो उसका अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, कंपनी का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि हाँ मतलब यही बाइक लेना है या ये बाइक? नहीं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई भी उनका पॉलिसी नहीं है, मतलब यही आपको बाइक लेना ही है या यही स्कूटी लेना है। आपके पास कोई भी कौन सा भी गाड़ी बाइक है तो आप उसको ये ज्वाइन कर सकते हो। बराबर। काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कस्टमर को, क्लाइंट को, मतलब जैसे कि हम लोग टूवर्ड्स अभी यानी समझो कि ऑफिस का कोई काम है या मैंने फिनिश कर दिया है तो मुझे टूवर्ड्स अपना होम लोकेशन डालना है, घर पे जाना है, ऐप चालू करो और बुकिंग आती है तो उनको लेके जाओ, तो इसका बहुत सारा फायदा है, बेनिफिट है पर्सनल लेवल पे भी, तो अच्छा खासा है ये, अच्छा रैपिडो ऐप बना है। ऐसा इसका मतलब बहुत काफ़ी अगर ये हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा तो काफ़ी कस्टमर को फायदा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा मतलब आप दूसरी भी आईडी मतलब लॉगिन कर सकते हैं, जैसे उबेर हो गया या उबेर? नहीं, ये रैपिडो ऐप में तो एक ही ऐप है फिलहाल, तो हाँ तो ये कर सकते, पता नहीं है मुझे एट ए टाइम में 2 ऐप चला सकते या नहीं चला सकते। नहीं नहीं, ऐसा मैंने सुना है उबेर बाइक है या ओला बाइक है। ओला भी नहीं आया है? ओला नहीं है। हाँ, उबेर बाइक आया हुआ। हाँ, तो उबेर का आया है तो मतलब सब इस पे अगर आपका भाड़ा नहीं आ रहा है तो आप जो है ना वो उबेर भी कर सकते हो, उसका आया इसका ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं है, ऐसा मैंने सुना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा है, अगर ऐसा भी है, अगर अपने को ऑप्शन
मिला है, क्राइटेरिया है अगर ऐसा कि आप एक स्विच करके दूसरा ऐप का अगर आप बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हो बराबर, तो दैट विल बी बेटर फॉर मी एंड क्लाइंट के लिए अच्छा है। तो दोनों प्रकार के हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, या एक उबर से और एक रैपिडो से। अभी क्या मैं उबर ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो वहाँ भी थोड़ा इन्फॉर्म करना है मेरे को। ओके, इंक्वायरी निकालनी है कि क्या है, मतलब क्या बेनिफिट आएगा। अच्छा, हाँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बिना इंक्वायरी के अपन कोई भी काम करते हैं तो आगे चल के अपने को प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, मतलब लॉस भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि अभी देखो मेरा प्रोफेशनल इंजीनियरिंग में एक होटल में हूँ और एक शेफ के किचन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं शेफ हूँ। तो अभी क्या है, लॉकडाउन के वजह से बहुत काफ़ी नुकसान हो गया, होटल ऐसे चालू नहीं थे। तो मैंने एक बाइक थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि रैपिडो को ज्वाइन कर लूँ और कुछ चीज के लिए अपना अच्छा खासा बिजनेस डेवलप करूँ। हाँ, तो इसके लिए बहुत बेहतर हो गया ये, मतलब टैक्सी और ऑटोमीटो से अच्छा ये बाइक है, क्योंकि कैसा है टू व्हीलर है तो एक्चुअली कस्टमर को भी जो है ना थोड़ा सा अमाउंट कम पे करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अमाउंट पे भी करना पड़ता है और दूसरी बात ये होता है कि अब आपकी कोई ट्रैफिक वगैरह हो, आपको जल्दी जाना हो तो आप ट्रैफिक स्किप कर सकते हो। बराबर, हाँ, और एकदम डोर टू डोर पिकअप है, जैसे कि जहाँ तक ऑटो नहीं जाती, फोर व्हीलर नहीं जाती है, तो वहाँ पे ये बाइक टू व्हीलर डेफिनेटली जा सकती है। बराबर, हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं है। बारिश के मौसम में मतलब जो बाइक की जो डिज़ाइन की हुई है, जो साइलेंसर है, वो अगर काफ़ी पानी वगैरह रहेगा तो उसमें वो बंद नहीं गिर सकता है। हाँ, अगर तो फाइनली दोस्तों अभी मैं घाट के ऊपर पहुँच चुका हूँ और मैंने भाई विपिन भाई के साथ जो है रिपेटो में बाइक से राइड करी है, तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो विपिन भाई आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आप उनसे सुने क्योंकि इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है और किस तरीके से जो है हम इस पे काम कर सकते हैं। तो विपिन भाई आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि रिपेटो में आना कैसा रहेगा। रिपेटो में आना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एक्चुअली। जैसे कि मैंने अभी गाड़ी ली हुई है, तो मैं एक्चुअली मैं होटल में काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं इवनिंग में सॉरी मॉर्निंग में ये काम करता हूँ, इवनिंग में मेरा होटल रहता है, मैं किचन डिपार्टमेंट में हूँ, बराबर, सुपरविजन का मेरा काम है। तो अगर आप एक काम करेंगे कि आपके पास अगर बाइक हो तो आप बेटर देन आप इसको लोकल वे में चला सकते हैं। अच्छा है, अगर एक घंटा आप ड्यूटी कंटिन्यू करते हो तो आपको एक 500 के ऊपर ही आपका इनकम हो जाएगा, 600-700 के रेंज में, अगर आप परमानेंट मतलब मंथली कंटिन्यू करते हो तो। अच्छा बुकिंग भाई, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बाइक नहीं है और अगर वो परचेज करके इसमें आना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा एक ही कहना है कि आप मतलब हर रैपिडो राइडर्स के लिए एक ही कहना है राइडर के लिए कि आपका जो बाइक का लेने का जो आपका सेगमेंट जो रहेगा तो आप उसको 125cc या 110cc में ले लीजिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 150cc के अंदर के सीसी वाले ले लीजिए, क्योंकि आपको बेहतर माइलेज मिलेगा और आपका रैपिडो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आप 200cc का आप गाड़ी लेंगे तो एवरेज काफ़ी कम होगा, 30 रहेगा, 35 रहेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो आपने तो अपाची ले रखी है। जी जी, ये तो मेरा अपाची है। विपिन भाई ने अपाची ले रखी है और इससे ही राइड कर रहे हैं। यस यस, फिलहाल तो उससे ही राइड कर रहे हैं। हाँ, तो आपने सस्ती गाड़ी क्यों नहीं ली। मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था एक्चुअली, ये तो मैंने पर्सनल्स बाइक है मेरी, तो पर्सनल्स मैंने लिया हुआ था। बराबर, हाँ, तो जैसे कि मैंने सर्च किया गूगल में, घर बैठा था तो सर्च किया कि रैपिडो ये क्या है ऐप से, तो हम लोग जरा ट्राई करके देखे, तो मैंने ये सब जब ट्राई किया तो पता चला कि अच्छा ऐप से। तो मैंने अभी मेरे 15 राइड्स कम्प्लीट कर चुका हूँ मैं, हाँ, एक 2-3 हफ्ते में तो आप 15 राइड कंप्लीट कर चुका, तो अच्छा खासा लगता है। सिविल ड्रेस होता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, स्विगी के जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, उबर का जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, तो किसी को हम लोग ये रैपिडो राइड दे रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चल सकता। बराबर, तो हम भी वेरी फ्रेंकली मतलब इको फ्रेंडशिप में हम लोग ये सब काम कर सकते हैं और हम लोग कमा सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग का मतलब मेरे पास मैसेज आता है कि सर जी जो है आप जो है जो बाइक है वो येलो प्लेट या फिर व्हाइट प्लेट, क्योंकि वो फोर व्हीलर में होता है। करेक्ट करेक्ट, हाँ, वो ट्रांसपोर्ट रहता है। हाँ, परमिट वो ट्रांसपोर्ट के यानी कैसे रहता है, फोर व्हीलर में दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। बराबर, कि वो मतलब ऑल परमिट रहता है, वो कहाँ भी आप लेके जा सकते हो। बराबर,
और बाइक को ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि व्हाइट प्लेट और येलो प्लेट करना है। नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पास जो है ना दो चार मैसेज आए, तो मैंने कहा कि इसके बेस पे आपसे मैं बात कर लूँ, तो काफी क्या मतलब हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा। अच्छा। और वो थोड़ा सा एक टेंशन फ्री हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत अच्छा है रैपिडो, बहुत अच्छा है। अभी तो मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम वन मंथ, तो मुझे काफी अच्छा मुझे रिव्यूज भी मिला है, अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिला है। मतलब विपिन भाई का 5-star रेटिंग है। 5-star रेटिंग है, करेक्ट 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 करेक्ट। 5-star रेटिंग, और उसमें आपको ऐसे ही नहीं कि मेल पर्सन ही आपको बुक करते हैं। बराबर। मैंने मतलब 4-5 लेडीज को भी मैंने पिकअप एंड ड्रॉप किया। अच्छा, उसमें आपको नर्वस फील होता है? मतलब नर्वस फील, मतलब पहले जब आया था तभी नर्वस फील हो गया था कि बाइक के ऊपर फीमेल ये, पर कुछ नहीं है। अगर आप फुल इको फ्रेंडशिप में अगर गाड़ी चला लोगे, ऐसे ही सोचोगे कि पीछे दोस्त बैठा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ, बस बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, आप बोल रहे थे आपका यूट्यूब चैनल है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया लॉकडाउन में। उसका चैनल का नाम है कि मेरा मराठी चैनल है एक्चुअली, प्रवास महाराष्ट्राचा म्हणून। तर त्यातमध्ये मी कोकणात वगैरे जाऊन मोठे मोठे टेम्पल्स त्यांना विजिट देतो। आता जस्ट चालू केलेला आहे मी, तर त्या चॅनलला पण तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता। बिलकुल बिलकुल, डेफिनेटली जितने भी व्ह्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो विजिट करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जो है ना हमारा भी बेनिफिट, इनका भी और आपका भी, क्योंकि आपको बेटर बेटर जो है जानकारी आपको मिलती रहेंगी ऐसे। और दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।